हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं जो दांतों की सफाई करवाते हैं, स्केलिंग करवाते हैं, और वो मतलब उनके जो डेंटिस्ट होता है उनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि स्केलिंग करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखें, लेकिन वो घर आके भूल जाते हैं या फिर दोबारा ये जानना चाहते हैं कि स्केलिंग या दांतों की सफाई करवाने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं कि स्केलिंग या दांतों की सफाई करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखें। जब भी आप दांतों की सफाई करवाते हो या स्केलिंग करवाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके दांतों के बीच में आप लोग आपको गैप नज़र आता है, आपको ये लगता है कि हमारे दांत है वो ढीले हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, उनके अंदर गैप हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है वो आपका कैलकुलस या फिर जो भी फूड लॉजमेंट प्लाक या कैलकुलस था, स्टेंस थे, वो रिमूव होने के बाद आपको फील होता है, क्योंकि पहले आपको उनको देखने की हैबिट होती है, लेकिन जैसे ही स्केलिंग से वो रिमूव कर दिया जाता है आपको खालीपन महसूस होता है। आपको ऐसे लगता है जैसे हमारे दांत है वो खाली खाली हो रहे हैं, गैप हो गया है दांतों में, या कहीं ये लूज़ ना हो जाए। सबसे मेन जो डर है वो ये रहता है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत घिस ना जाए, दांत ख़राब ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांतों की सफाई करवाने से आपके दांत ख़राब नहीं होते हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं। तो अब जब आपने दांतों की सफाई करवा ली है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो सफाई है काफ़ी टाइम तक बरकरार रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है, जैसे ही आप दांतों की सफाई करवा के आते हो 1 वीक तक एक चीज़ का ध्यान रखिए, चाय और कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए। चाय और कॉफ़ी अपने स्टेन जल्दी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लाक या कैलकुलस की लेयरिंग है वो बनने लग जाती है, इसलिए आपको इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट 1 वीक तक आपको सेंसोडाइन या फिर डिसेंसिटाइजिंग जो भी पेस्ट होते हैं, कोलगेट के ले लो, जैसे किसी भी कंपनी के ले लो, बट डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट से ही ब्रश करना है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी फील हो सकती है। जैसे स्केलिंग करवाते हैं और मतलब इतना कैलकुलस और प्लाक हटाते हैं तो दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाती है। ये सेंसिटिविटी 2 या 3 दिन के लिए ही रहती है, या मोस्टली कुछ लोगों के 1 वीक तक ही रहती है। तो अगर आप डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट का यूज़ करोगे तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे जाके। और थर्ड ये है कि आप जब स्केलिंग करवाते हैं अंदर के लिंगुअल साइड में, यानी कि दांतों के जो अंदर की साइड में जब आप स्केलिंग करवाते हो तो आपकी जो जीभ है वो बार बार दांतों पे टच होती है और ऐसे फील करते हैं, मतलब कुछ ऐसे लगता है जैसे खाली हो रखा है, कुछ अजीब सा लगता है। उसको हैबिट में आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। नॉर्मली कुछ लोग होते हैं वो मतलब इरिटेट हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरे, जब से स्केलिंग करवाई है जीभ है वो बार बार अड़ रही है, पता नहीं क्या निकाल दिया उन्होंने। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो स्मूथनेस, जो स्मूथ सरफेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो टंग है वो बार बार उसको टच करती है, इसकी वजह से आपको अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप पॉलिशिंग करवा लेते हो स्केलिंग के बाद तो ये थोड़ा कम लगता है, यानी कि आपको ऐसे फील नहीं होएगा कि स्केलिंग की है क्या, तो आपको नॉर्मल लगेगा। इसके अलावा अगर आपने स्केलिंग करवाई है तो आप ठंडी आइसक्रीम या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप ज़्यादा ये पीते हो तो आपको सेंसिटिविटी, वैसे ही नॉर्मली सेंसिटिविटी रहती है और इसका सेवन करने से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं आपके दांत, तो इसको आपको अवॉइड करना है। ये तो है कि स्केलिंग करवाने के बाद आपको मतलब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये हुई। लेकिन अगर आप स्केलिंग करवाते हो तो उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, रात को ब्रश जरूर करना, ताकि आपके जो सफाई की हुई है, जो कैलकुलस आपके हटाया हुआ है, वो मेंटेन रह सके। अंदर की साइड लिंगुअल साइड में ब्रशिंग अच्छे से कीजिए। मोस्टली लोग मतलब फ्रंट टीथ को तो ब्रश करते हैं लेकिन अंदर की साइड ब्रश नहीं कर पाते। ब्रशिंग टेक्निक पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप अगर चाहो तो वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है,
आपको जब आपकी स्केलिंग की जाएगी तो आपको माउथ वॉश और जेल वगैरह दी जाएगी ताकि आपके मसूड़ों से जो ब्लीडिंग हुई है, जो मसूड़े थोड़े बहुत खुले हैं, वो वापस पैक हो सके। तो उनको आपको कम से कम 1 महीने यूज़ करना है। यानी अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो तो उसको 1 मंथ तो आपको यूज़ करना ही है। अगर आपको आगे मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको आप चाहते हो कि मैं माउथ वॉश यूज़ करूँ, तो जो आपको मेडिकेटेड माउथ वॉश दिया है उसको आप एक बार के लिए अवॉइड कीजिए। 1 महीने के बाद आप अपना माउथ वॉश चेंज कीजिए। उसके बाद अगर आपको वही माउथ वॉश वापस यूज़ करना तो 15 डेज के गैप में यूज़ कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आप आपके जो मसूड़े ओपन हो गए, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके स्केलिंग की है तो गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं वो थोड़े से अंदर से, हमें जो क्लीनिंग करते हैं तो अंदर से लेना होता है, जो सरफेस होती है वो अंदर से लेनी होती है, जो कैलकुलस है उसको निकालने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपके मसूड़े थोड़े से खुल जाते हैं, उठ जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक जेल क्रीम दी जाएगी, उसको आपको रेगुलर यूज़ करना है। दिन में 3 बार आपको अच्छे से मसाज करनी है ताकि आपके जो मसूड़े हैं वो फिर से आपके दांतों के चिपक जाए और आपके मसूड़े भी हेल्दी रहे और आपके दांत भी हेल्दी रहे। तो ये है कि दांतों की सफाई करवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।